नमस्ते मित्रों, आज मैं बात करूंगा इन पौराणिक पोपों ने क्या क्या दुकानदारी चलाई है। उन दुकानदारी में से एक है कि महान चरित्रवान जितने भी थे उनके ऊपर लांछन लगा करके अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मजे लेने थे, इनको आनंद भोग करना था, इनको पता नहीं क्या क्या कर्म करना था जिसके वास्ते इन्होंने इनके चरित्र पर लांछन लगाए हैं। हम आपको शिव पुराण वेंकटेश्वर प्रेस बंबई से ये प्रकाशित होती हैं, रुद्र संहिता 2 सती खंड 2 अध्याय नंबर 19 श्लोक नंबर 17 से लेकर 31 तक इसमें क्या लिखा है अब आपके सामने रखते हैं। हे मुने, अग्नि को सती की पद्वग्र परिक्रमा करने पर वस्त्र उड़ने से जो पद का दर्शन हुआ उसे देख मैं, हे द्विज श्रेष्ठ, शिव माया से मोहित मदन से आविष्ट चित्त हो अंगों का अवलोकन करने लगा। कौतुक से सती के जैसे जैसे उत्तम अंगों को देखे तिस तिस तरह प्रसन्न होता हुआ, हे मुने, दक्ष से उत्पन्न हुई पतिव्रता सती को जिस प्रकार देख में काम से आविष्ट चित्त हो मुख देखने की इच्छा करने लगा, न मैं शिव को लज्जा से उनका मुख देखा और न उन्होंने लज्जा के मारे मुख खोला। काम से दुखी मैंने, काम यानी कि उनकी बॉडी के अंदर उत्तेजना पैदा हो रही थी, उनको इच्छा हो रही थी। काम शास्त्र के तो पता नहीं कितने बड़े ये हैं पोप जी, इनको सब कुछ इंटेलिजेंट है, इनको सब कुछ इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, आगे इनका इंटरेस्ट आप देखिए। काम से दुखी मैंने उसके देखने के लिए अत्यंत धुआं करने की इच्छा की, यानी कि ब्रह्मा थे वो ब्रह्मा हवन कर रहे थे उनके यहाँ पे वो विवाह करा रहे थे, फिर उन्होंने क्या किया, गीली गीली लकड़ी आप आगे देखिए धुआं करने की इच्छा की। इसका मुख देखे यही विचारते हुए मैंने उसके पीछे यह किया कि अग्नि में खूब गीली लकड़ी छोड़ी और धीरे धीरे थोड़ी आहुति छोड़ने से गीले द्रव्यों से उत्पन्न बहुत धुआं चारों ओर फैल गया और धुमाधिक्य होने के कारण वेदी के आसपास की पृथ्वी धूम युक्त हो गई। नाना लीलाओं के करने वाले समर्थ परमेश्वर शिव ने धूम से व्याकुल दोनों हाथों से अपने नेत्र मूंद लिए, फिर प्रसन्न हो कामार्थ मैंने, ये कामार्थ सब का मतलब है कि यहाँ पे वो काम से युक्त हो गए, उनकी इंटरेस्ट हो गया था उनको सती के साथ कुकर्म करने की इच्छा पैदा हो गई थी। कामार्थ का मैंने सती के मुख के वस्त्र हटा लिए, यानी कि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रहा था, तो उन्होंने शिव जी ने तो अपनी आंखें बंद कर ली और फिर इन्होंने जो ब्रह्मा थे इन पोपों के उन्होंने उसके मुख का वस्त्र हटा लिया। और किसी का विवाह हो रहा तो दूसरे की स्त्री का मुख हटाना तो ये कुकर्म की बात है। चलो आगे देखते हैं। सती के मुख को देखा, हे पुत्र, मैं बार बार सती के मुख को देखने लगा और इंद्रिय विकार को प्राप्त होता हुआ और मेरा चार बिंदु वीर्य पृथ्वी पर गिर गया, यानी कि उनका वीर्य स्खलित हो गया था। ये पोपो के गजब गपोड़े हैं, क्या ब्रह्मा पर लांछन लगाया इन्होंने। वारे गपोड़ी लालो, वाह, तुम्हारी तो बेड़े ही पार है, तुम लोगों ने इस देश का क्या, इसको नरक में भेज दिया। जो हमारा सनातन वैदिक धर्म था उनको नष्ट करने के लिए तुम पोपों ने मूर्ति पूजा चलाई। मूर्ति पूजा वेदों में नहीं है, वेदों में एक भी शब्द ऐसा नहीं लिखा है कि मूर्ति पूजा करो और मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करो, कहीं नहीं है। बस गपोड़ी लालों ने अपनी दुकानें चलाने के लिए इस धर्म को नष्ट कर दिया जो सदा से चला आ रहा है, सृष्टि के प्रारंभ से। आप आगे देखिए, और मेरा चार बिंदु वीर्य पृथ्वी पर गिर गया। तब चिकित मौनी अवस्था आश्चर्य को प्राप्त हो गया, उस वीर्य को छिपाने, अब देख लो यहाँ पे साफ साफ लिखा वीर्य को छिपाया जिसमें और कोई न जाने, भगवान शंभु दिव्य चक्षु से यह वीर्य स्खलन जान क्रुद्ध हो बोले, रुद्र बोले, आपने जो विवाह में मेरी कांता के मुख को राग से देखा,
यह कुत्सित कर्म आपने क्या किया? वारे गपोड़ी लालो, वाह, तुमने तो इस धर्म की धज्जियां उड़ा दी और तुमने तो धर्म को नरक में धकेल दिया। सच्चा धर्म जो वेदों में है, सच्चा धर्म जो शास्त्रों में है, इन गपोड़ी लालों ने अपनी दुकानें चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव कृष्ण अर्जुन सभी के चरित्र पर लांछन लगा रखे हैं। इन पोपों ने कहीं का नहीं छोड़ा, इन गपोड़ी लालों ने इतने गप्पे डाल रखे हैं, हम आपको कई प्रमाण देंगे। और यह मेरी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं मैं, ये मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। प्रमाण के साथ शिव पुराण वेंकटेश्वर प्रेस आपको मिल जाएगी, उसमें आप ये प्रमाण दिया है मैंने आप। मित्रों, हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए इन पोपों ने कई ग्रंथ रच डाले और उन ग्रंथों में से है पुराण। 18 पुराण कहने मात्र को है, पर गिने तो आपके सामने बहुत पुराण आ जाएंगे। एक महान विद्वान ऋषि हुए हैं, उनका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम सम्मुलास में कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव शिव ये पूर्वज, महान पूर्वज हुए थे, ऋषि हुए थे, महान दिव्यात्माएं हुई थी, पर इन पोपों को तो क्या खुद को मजे लेने थे, इसलिए इनके चरित्र पर लांछन पे लांछन लगा दिए और शिवलिंग पूजा प्रारंभ करवा दिए। और ये वही लिंग है जो आप अपने मन में विचार करके देख लीजिए, क्योंकि सती अनुसुया ने जो श्राप दिया था उस कारण लिंग पूजा चली। मेरी मर्जी से मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, सारे चीज़ें सारी बातें पुराणों में लिखी हैं। इन पुराणों में एक से बढ़कर एक गपोड़ा मिल जाएगा कि हनुमान जी कान से पैदा हुए, इन पोप जी के बच्चे भी कान से पैदा नहीं होते होंगे, क्या गपोड़े मारे हैं। सत्य एक है, वो है वेद मत। मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य सत्य बताना है। आप मानो चाहे न मानो, किसी के साथ कोई भी बलात्कार नहीं है। आप विद्वान हो, बुद्धिमान हो, इन पुराणों को तो यह विचार करके ही समझ लेना चाहिए कि इन पुराणों में लिखा है पृथ्वी शेष नाग के फण पे टिकी है। वारे गपोड़ी लालों, क्या आपने पृथ्वी को शेष नाग पे टिका दिया, बहुत सारे गप्पे मार दिए, 33 करोड़ देवता बना दिए, जो 33 कोटि देवता थे और 34वां देवों का देव महादेव परमात्मा थे, उनको नहीं जाना आपने, नहीं माना और 33 करोड़ बना दिए। इन पोपों से कोई पूछे कि एक देवता का नाम बताओ और हमसे 1 रुपया ले जाओ, तो भी ये माइके लाल ऐसे नहीं है जो 33 करोड़ देवताओं के नाम बता देंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं, धर्म को नष्ट करने के लिए इनसे जो हो सका वो इन्होंने किया। धर्म तो आप देखिए वेद का है, कितना उत्तम है। परमात्मा ने कहा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो है ईश्वर, न यानी नहीं, तस्य यानी जिसकी प्रतिमा नहीं बन सकती है, वह ईश्वर तो सर्वव्यापक है, घट घट में है, सब जगह रहता है, निराकार है, चेतन है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, अजन्मा है, अकायम है। वहाँ पे अकायम लिखा हुआ है वेदों में, इससे सिद्ध होता है कि उसकी कोई काया नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, वो अवतार नहीं लेता, वो निराकार है, वो अजन्मा है, वो अवतार क्यों लेगा, क्योंकि वो पहले से ही सर्वव्यापक है। जो लोग कहेंगे गीता में लिखा है कि ईश्वर अवतार लेता है, तो हम यही तो आपसे कहना चाहते हैं कि परमात्मा अवतार नहीं लेता है, अवतार तो जीवात्मा लेते हैं। अगर श्री कृष्णचंद्र जी ने ये अपने लिए कहा कि जब जब पाप बढ़ता है तब तब मेरे जैसे धर्मात्मा लोग पैदा होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो कृष्णचंद्र जी धर्मात्मा थे और आगे भी धर्मात्मा पुरुष होते रहेंगे। सत्य बात यही है, आप वेदों को मानो, शास्त्रों को मानो, आपको परमात्मा ने बुद्धि दी है। और मैं किसी को ये नास्तिक नहीं बनाना चाहता, और जो लोग कहेंगे कि ये तो नास्तिक है, बिल्कुल भी नहीं,
वेद पूर्णतः सच्चे रूप में आस्तिक बनाने वाले हैं। और आस्तिक किसे कहते हैं? मिस्री को मिस्री मानना, गुड़ को गुड़ मानना, पत्थर को पत्थर मानना, हवाई जहाज को हवाई जहाज मानना, साइकिल को साइकिल मानना, जलेबी को जलेबी मानना, पत्थर को सिंदूर लगाने पर भी पत्थर ही मानना, पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा कर दे फिर भी पत्थर ही मानना। क्योंकि विद्या किसे कहते हैं? यह बहुत सारे लोग विद्यालय जाते हैं पर विद्या किसे कहते हैं? आता ही नहीं। विद्या कहते हैं जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही मानना, जानना और अपने व्यवहार में लाना विद्या कहलाती है। जैसे पत्थर को पत्थर मानना, सिंदूर लगने पर भी पत्थर मानना, प्राण प्रतिष्ठा करने पर भी पत्थर मानना, उसमें जो लोग कहेंगे कि हम श्रद्धा से उसको ईश्वर मानते हैं क्योंकि परमात्मा सब जगह है, इसलिए हम उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको मूर्ति बना के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और हम उसको ईश्वर बना करके एक आस्था पैदा करते हैं। तो हम आपसे कहते हैं तुम अगर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित कर देते हो, पांच लोग हाथ लगाने से अगर मूर्ति में प्राण आ जाते हैं तो तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बच्चे भी मर जाते हैं, तो उनकी तुम प्राण क्यों नहीं ला सकते? उनकी जो मृत्यु संज्ञा है उसको हाथ लगाने के लिए 5-10 लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्यों प्राण नहीं आ जाते हैं? इससे सिद्ध होता है कि ये गपोड़ा है, ये मूर्ति पूजा एक पाखंड है, ये मूर्ति पूजा सर्वनाश कर देगी तुम्हारा। तुम लोगों का सर्वनाश सोमनाथ के मंदिर पर जब आक्रमण हुआ था तब भी हो गया था क्योंकि तुमने सोचा कि साक्षात भोलेनाथ बचाने आएंगे, कोई नहीं बचाने आया। आज ये सारे अवतार कहाँ पे गए? जब अंग्रेजों ने तुम पे अत्याचार किया, जब मुगलों ने तुम पर अत्याचार किया, जब पोपों ने तुम पर अत्याचार किया, जातियां पातियां बना दी, इन्होंने छुआछूत बना दी। छुआछूत तो बिल्कुल होनी चाहिए पर कैसे होनी चाहिए? जो दुष्ट है, पाखंडी है, धूर्त है, हत्यारा है, जीवों को मारता है, जानवरों को मारता है, कत्ल करता है, बलात्कार करता है, ऐसे लोगों से छुआछूत बिल्कुल रखनी चाहिए। हम इस छुआछूत का समर्थन करते हैं। जो लोगों की हत्या करता है, जीवों को मारता है, इससे आप बिल्कुल छुआछूत कीजिए। ये तो धर्म है, हमारी आज्ञा है, धर्म की वेद की आज्ञा है, ऐसे बिल्कुल आप छुआछूत जरूर कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, ब्रह्मा विष्णु शिव इनके चरित्र पर कोई लांछन नहीं था, आप घबरा करके हमारे वीडियो को अनसब्सक्राइब और डिसलाइक मत कीजिए। पहले हमारे विचारधारा को समझिए कि हम मानते किसको हैं। हम पोपों के पाखंड को नहीं मानते, हम वेदों को और सत्य जो परमात्मा सर्वव्यापक है। ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता माँ गृद कश्यस्व सिद्धनम, उस परमात्मा को मानते जो सब जगह, जो पहले से सब जगह, वो कहाँ पे आएगा और वो कहाँ जाएगा? ये सब पाखंडियों ने अपनी दुकान चलाने के लिए किया कि जो तिल माही तेल है, चकमक में ज्यो आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। आप परमात्मा को बाहर नहीं अपने हृदय में ढूंढने का प्रयास कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, धन्यवाद।